बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और काम हो रहा है वर्कबुक पे? जो काम दिया जा रहा है रेगुलर काम कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? ज़रूर कीजिए काम, ये काम बहुत ज़रूरी करना, क्योंकि हम चेक पे तो करने के लिए मांगे हैं कभी कॉपीज आपसे, ठीक है? और जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको याद भी करते रहिए, ताकि जो टेस्ट होंगे फिर आपके उसमें आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आज हम काम करेंगे वर्कबुक का। वर्कबुक एक सवाल है तो देखेंगे हम, और वो सवाल कौन सा है देखते हैं। पेज नंबर, सफ़ा नंबर मेरे पास है वर्कबुक का 7, सफ़ा नंबर 7। इसमें एक सवाल दिया हुआ है जो ग्रुप में करने का था। अब ग्रुप तो है ही आपके पास, स्कूल तो बंद है, तो घर में किसी बड़े के साथ मिलकर इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। सवाल है, आप रोज़मर्रा उससे पहले तारीख, आज तारीख है 9/9/7/20, 9 जुलाई और 20 दिन जमेरात। आइए, सवाल है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात बताई हैं हमें, जिनको हमें लाजमी करना होता है, और वो करके हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, वो क्या काम होते हैं, वो कौन से काम हैं, और किस तरह से करते हैं वो काम? आप 2 से 3 तलबा मिलकर एक ग्रुप बनाएं और एक दूसरे की मदद से इस सवाल का जवाब दें। अब ग्रुप नहीं है, घर में किसी से पूछ के आप ये सवाल कर सकते हैं, वरना मैंने तो यहाँ पे किया हुआ है। पहला है, मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। जब तिलावत करेंगे कुरान पाक की, तो यकीनन हम नबी की अताअत कर रहे होंगे, उनकी तालीमात पर अमल कर रहे होंगे। मैं सच बोलता हूँ, जब सच बोलेंगे तो हम नबी की बातों पर अमल के यकीनन अमल कर रहे हैं। फिर तो मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता हूँ, करती हूँ, ये भी हमारे नबी ने सिखाया है और उनकी तालीमात है। मैं नेकी के रास्ते पर चलती हूँ, बिल्कुल मैं नेकी के रास्ते पर, जो काम अपने किए, जो काम, जो नेकी के काम बताए हैं, मैं उसी पर चलता हूँ, हाँ चलती हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, बिल्कुल जो बातें आप नबी ने बताई हैं हमें, हम उसी पर अमल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं वो करते हैं, लेकिन अभी जो हमें बताया गया 5 लाइनों में बताना था हमें कि तालीमात पर किस तरह अमल करते हैं, तो नबी की तालीमात हम इस तरह अमल करते हैं, और इस तरह अमल करते हुए हम यकीनन नबी को और अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, उनकी तालीमात पर अमल कर सकते हैं। इस तरह से करके, इन बातों पर चल कर हम अल्लाह तक लाजमी पहुँच सकते हैं, यही ज़रिया है। नबी की इत्तबा ही अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा नबी की रज़ा, नबी को खुश करना है ना, यही है ना। जब हमने नबी की इत्तबा की, तो अल्लाह उससे हमें राज़ी, उससे राज़ी हो गया, हमसे राज़ी हो गया। हमने नबी की इत्तबा की, नबी के ताद की, अल्लाह हमसे राज़ी हो गया, हमसे खुश हो गया, और अल्लाह हमसे यही चाहते हैं कि हम उसको राज़ी कर दें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था, मिलता है अगले क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।